फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एक और डॉज मीम बेस्ड क्रिप्टो करेंसी की जिसका नाम है डॉज लोन मार्स और इसे एलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां पर अगर हम इस कॉइन की बात करें तो इसमें एक बड़ा पंप देखने को मिला है कुछ दिनों में और अगर 24 आवर्स की भी बात करें तो लगभग 40% इसका प्राइस बढ़ा हुआ है। मतलब अभी का जो समय चल रहा है पूरा मीम क्रिप्टो करेंसी का टाइम चल रहा है जहां पर हर एक मीम कॉइन ऊपर की ओर जा रहा है। 0.00014 इंडियन रुपीस पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट रैंक भी टॉप 100 में आ चुकी है दोस्तों और वॉच लिस्ट अगर आप देखें तो वो भी 2.5 लाख के आसपास है। अगर यहां पर हम लोवेस्ट प्राइस की बात करें 24 आवर्स में तो वहां पर आप देख सकते हैं 4 जीरो आपको देखने को मिलेंगे और 1 जीरो उसने किल कर दिया है। और दोस्तों इससे जुड़ी एक बड़ी न्यूज भी निकल कर आ रही है जहां पर एक बड़े एक्सचेंज के द्वारा इस कॉइन को लिस्ट किया गया है। अगर आप 1 डे का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी। 7 डे का अगर आप चार्ट देखें तो उससे भी ज्यादा ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिलेगी जब इसका प्राइस 0.00003 के अराउंड था और कहां इसका प्राइस 0.00018 तक चले गया था। और यहां पर अगर आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों तो आपको यहां से लगभग 6,78,400 कॉइन मिलेंगे जो एक काफी बड़ी क्वांटिटी है। और अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम हम देखें तो कई लोग इस कॉइन में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रेंडिंग में भी ट्विटर पर आपको ये कॉइन का नाम देखने को मिलेगा और यहां पर 132% इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो वो लगभग 36% बढ़ा हुआ है दोस्तों और यहां पर आप देख सकते हैं ऑल टाइम लो का डेटा तो अवेलेबल नहीं है लेकिन ऑल टाइम हाई ये जरूर गया था 0.0024 और 100% उससे अभी भी डाउन में है। तो यहां पर ये अपने ऑल टाइम हाई की ओर जाने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि ये ऑल टाइम हाई पर चले भी जाए क्योंकि एक बड़ी लिस्टिंग भी हुई है। और यहां पर आप एक आर्टिकल भी देख सकते हैं डॉज लोन बुलिश एंड रेजेस अबाउ 100% जहां पर इसका प्राइस लगभग 100% बढ़ चुका है 24 आवर्स की ही अगर हम बात करें। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा डाउन में जरूर आपको देखने को मिल रहा है लेकिन एलन्स टोकन रेज्ड 1 बिलियन मार्केट कैप जहां पर ये टोकन ने मार्केट कैप भी लगभग 1 बिलियन का बना लिया है और crypto.com के द्वारा अनाउंसमेंट हुई है कि वो एलन को लिस्ट करने वाले हैं। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो लगभग 691% बढ़ा हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं जो 1 बिलियन का मार्केट कैप हो चुका है और CMC की लिस्ट में ये टॉप 100 में भी आ चुका है। और एलन इसका नाम नहीं है दोस्तों, वैसे डॉज कॉइन की अगर हम बात करें तो ये इस पर बेस्ड कॉइन है। देख सकते हैं crypto.com ने डॉज लोन मार्स को लिस्ट कर दिया है और उनकी एप्लीकेशन पर भी आपको ये कॉइन देखने को मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं ये न्यूज कल निकल कर आई थी और उसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, जहां पर डॉज लोन का प्राइस भी अच्छा खासा पंप हो रहा है। अगर आपको इस कॉइन को खरीदना है तो आप इसे gate.io पोलोनीएक्स OKX यूनिस्वैप से भी परचेस कर सकते हैं। वहां से आप USDT में इस कॉइन को खरीद सकते हैं। gate.io की लिंक भी आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले दोस्तों, वहां पर भी आपको हर एक अपडेट प्राप्त होती रहेगी। और आप इनके ट्विटर हैंडल को भी देख सकते हैं, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है दोस्तों ब्लू टिक अवेलेबल है और यहां पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स आपको देखने को मिलेंगे और यहां पर आप लिस्टिंग की न्यूज भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले टाइम में डॉज लोन बड़े एक्सचेंजेस पर भी लिस्ट हो सकता है। वैसे अगर हम इनकी कम्युनिटी की बात करें तो ये ग्रोथ करता जा रहा है। डॉज लोन मार्स आपको अभी ट्रेंडिंग में भी देखने को मिलेगा और यहां पर ब्लू टिक भी अवेलेबल हो चुका है। crypto.com ने इसे लिस्ट किया है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कुछ और ऐसे एक्सचेंजेस आएंगे जिस पर ये लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। 1 बिलियन का मार्केट कैप भी इसका हो चुका है। और कोई भी अपडेट निकल कर आती है दोस्तों क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, लेकिन आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करें दोस्तों तो उससे पहले आप खुद भी रिसर्च कर लें क्योंकि जो क्रिप्टो का मार्केट होता है उसमें जोखिम भी होता है। तो आप अपने जोखिम पर ही किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करें उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके। और कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।